भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर मुकाबला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआती ओवर्स में रोहित शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी को काफी संभल कर खेला, लेकिन पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को शाहीन शाह अफरीदी ने इन स्विंग डालकर बोल्ड कर दिया और भारत को पहला झटका लग गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने सदी हुई शुरुआत की और उसके बाद जैसे ही बारिश हुई, बारिश के बाद खेल शुरू हुआ और जबरदस्त अंदाज से यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा की विकेट हासिल कर ली। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया यहाँ पर एक बड़े कटघरे में खड़ी हो चुकी है इस महा मुकाबले में। अब क्या यहाँ पर भारतीय टीम के खेवनहार विराट कोहली एक बार फिर बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। जिस अंदाज से यहाँ पर टीम इंडिया को शुरुआत की उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके का बैटिंग कोलैप्स हमने देखा था पहले भी, उसी तरीके की गेंदबाजी शाहीन शाह अफरीदी रोहित शर्मा के खिलाफ कर रहे थे, लगातार ओवर में फंसा रहे थे और यहाँ पर एक बड़ी सफलता उन्होंने हासिल कर ली है। वही कप्तान बाबर आजम भी काफी खुश नजर आए। 22 गेंदों में रोहित 11 रन बनाकर आउट हुए, 2 चौके उन्होंने अपनी पारी में जड़े। अब तक की गेंदबाजी की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर 1 मैडन 11 रन 1 विकेट, नसीम शाह 2.2 ओवर 5 रन, कोई सफलता नहीं, जिसकी बदौलत अब देखना होगा कि टीम इंडिया यहां से किस तरीके से संभलती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।